नमस्कार, आज हम बात करेंगे गर्दन में होने वाले दर्द के लिए। कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि गर्दन में होने वाला दर्द अक्सर अधिक उम्र के लोगों में ही पाया जाता है, लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती जा रही है कि कम उम्र के लोग भी इससे पीड़ित पाए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। खास जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो है पोस्चर संबंधी गलतियां करना, खासतौर से जब आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि के सामने बैठे हुए हैं घंटों तक अपनी गर्दन को झुकाकर या गलत तरीके से बैठकर। इसके अतिरिक्त जो दूसरा बड़ा कारण है वो है कि आप जहाँ पर सोते हैं वो मैट्रेस, वो गद्दा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसके कारण आपकी स्पाइन का पोस्चर गड़बड़ होता है और आपको कमर या गर्दन से दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त तनाव, मानसिक तनाव आप में बहुत ज़्यादा बना रहता है तो भी आपको ये दर्द होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ तो ये हो ही सकता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ये दर्द अधिक लंबे समय तक बना रहे तो आपको ये अन्य ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर ये सर की तरफ रेडिएट होता है तो आपको सर दर्द या वर्टिगो जैसी समस्याएं, चक्कर आना, बैलेंस ना हो पाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। या आपके हाथों की तरफ रेडिएट होकर कंधों में, हाथों में दर्द, उंगलियों तक भी ये दर्द आ सकता है। इसके अतिरिक्त हाथों में नमनेस बनी रह सकती है और क्रॉनिक अवस्था में तो ये शरीर के निचले अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले उसके कारण को दूर करना जरूरी है। तो आप पोस्चर का ध्यान रखें, अपने स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें। कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर अधिक समय तक आप काम कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप बीच बीच में अपनी स्पाइन को और अपनी नेक को रेस्ट देते रहें और जो यौगिक सूक्ष्म क्रियाएँ आज मैं आपको बताऊँगी वो आप बीच बीच में करते रहें। इसके अतिरिक्त मैं आज आपको एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। इस एक्सरसाइज को करने से आपको न सिर्फ अपने दर्द से राहत मिलेगी बल्कि आपकी नर्व्स जो स्पाइन से होकर आपकी नर्व्स जाती हैं वो नर्व आपके ऑर्गन और मस्तिष्क के मध्य एक समन्वय स्थापित करती हैं। तो जब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है या इस तरह के जो दर्द होते हैं उसमें नर्व जो हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं, या आपको नर्व्स इरिटेट हो रही हैं, या आप नर्व्स को डैमेज होने से भी बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप किसी भी दीवार के पास जाकर सीधे खड़े हो जाएंगे, अपनी दाहिनी हथेली को दीवार पर रखेंगे, अपने शोल्डर लेवल में रखेंगे, एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी, हथेली को पूरी तरह से दीवार पर लगा के रखेंगे, दोनों शोल्डर बिल्कुल सीधे एक सीध में रखना है और फिर लेफ्ट हथेली को अपने लेफ्ट थाई पे सीधा रखेंगे। आपको इस तरह से खड़े होना है कि आपकी शरीर और दीवार के बीच में एक रेक्टेंगल बन जाए। अब आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और अपनी गर्दन को दीवार के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड धीरे धीरे घुमाएंगे। इस समय आप देखेंगे कि आपके पूरे राइट हैंड में हथेली से लेकर कंधे तक और गर्दन तक बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आता है। आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाते जाइए। इस समय ध्यान रखें कि आपका लेफ्ट शोल्डर बिल्कुल भी नीचे की तरफ ना झुके, इसे सीधा रखना जरूरी है। 10 तक काउंट करेंगे। 10 तक काउंट करने के पश्चात आप अपने गर्दन को हल्का सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे। यहाँ पर भी आप 10 तक काउंट करेंगे। उसके पश्चात आप अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाएं। 10 तक गिनेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे। यही अभ्यास आप दूसरे हाथ से भी करें, परंतु इसको करते समय बस अपनी हथेली को आप दीवार से बिल्कुल भी ना उठाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है, उसके लिए आप किसी भी, आप पिलो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बड़ा ताल इस तरह से तय करके लिया है। आप इस जगह एक मोटी चादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरह से रखेंगे कि आपकी गर्दन और कंधा इस टावल के ऊपर आ जाए। गर्दन के ऊपरी हिस्से तक इस टावल को रखेंगे और कंधा इसके ऊपर रखकर इस तरह से आप इसको ले जाएंगे। और अब आप अपने फोरहेड को और कंधों को नीचे की तरफ पुश करें। 10 तक काउंट करें और ढीला छोड़ दें। अब आप अपने दोनों पैरों को मोड़ें, गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने हिप्स को और कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस समय आप अपने गर्दन को नीचे की तरफ पुश करें।
ढीला छोड़ देंगे। आप अपने आसन पर पैर से उतार ले जाएंगे, पेट के बल दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, चिन जमीन पर, दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर के नीचे लाएं। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपना चेहरा, छाती और नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे। अपनी गर्दन को जितना हो सके ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इस अभ्यास से आपकी पूरी ही स्पाइन पर, चाहे आपको कमर में दर्द होता हो, साइटी का पेन हो, आपको गर्दन में दर्द होता है, सब में आपको राहत मिलेगी। धीरे धीरे वापस आए। पहले अपने आसन पर सीधे बैठे हुए हैं, अपने बाएं पैर को इस तरह से मोड़ें कि आप अपनी एड़ी को बाहर की तरफ निकालें। इस एड़ी पर आपको बैठना नहीं है, इसको बाहर की तरफ निकालें। दाहिने पैर को इस तरह मोड़ेंगे, दोनों घुटने एक दूसरे के सामने रखने की कोशिश करें। इसके पश्चात आपका जो पैर ऊपर है वो हाथ आप ऊपर की तरफ उठाएं, दूसरे हाथ को नीचे की तरफ से पीछे लेकर जाएंगे और दोनों हथेलियों को पीछे पकड़ने की कोशिश करें। अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना जरूरी है, चेहरा सामने की तरफ रखें और धीरे धीरे हाथ को वापस लाएं। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप पैरों को इस तरफ नहीं भी पोने तो आप पैर सीधे रखकर और सिर्फ अपने हाथों से इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएं और दाहिनी ओर खींचें, ऊपर की तरफ उठाएं, बाईं ओर खींचें। इसी अभ्यास को 10 से 15 बार आप दोनों तरफ से करेंगे। इसके अलावा आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधे रखना ज़रूरी है। दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ आपस में इस तरह से बांधेंगे। अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधे रखना जरूरी है और हाथों को ऐसे पीछे की तरफ, ऐसा 10 से 20 बार करें। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपने सिर पर पीछे की तरफ रखेंगे, शोल्डर बिल्कुल सीधे, स्पाइन को सीधा रखेंगे। अब आप अपने हाथों से आगे की तरफ प्रेशर लगाएं और अपने सिर से पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आपका सिर पीछे जाना चाहता है और हाथ उसको रोक रहे हैं। अपोजिट फोर्स लगाते हुए आप इसे करेंगे। होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, छोड़ दें। इस क्रिया को आप 8 से 10 बार जरूर करें। तो ये कुछ अभ्यास थे जो हमने आपको बताए, जिन्हें आप रेगुलर करें, आप गर्दन में दर्द से राहत पाएंगे। इसके अतिरिक्त कंधे वाली एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए मैंने अपना YouTube वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप उन एक्सरसाइज को भी देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।